अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन, रोमा सिर्फ बेरंग ड्रामा के लास्ट एपिसोड तक आप लोग क्या कुछ देखने वाले हो। आज की वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले, पेशगी करने वाले हैं। इस ड्रामे की मुकम्मल कंप्लीट कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या क्या आप लोगों को सिनेरियोज आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जो कुछ भी हम आपको बताएंगे वो टीजर्स, प्रोमो और ओएसटी देखने के बाद ही हम जो है ये फुल स्टोरी वाली वीडियो बना रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा सीरियल बेरंग के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो। तो महरोज को एनी बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है और एनी को भी यहाँ पर महरोज बहुत ज्यादा पसंद आ चुका है। वो तो उसके ख्वाब में खोई रहेगी, इसकी पेंटिंग वगैरह भी जब वो बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पर वो एक आर्टिस्ट वगैरह बन रही है। और यहाँ पर जब वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो एमएल बी से छेड़ा करेगी। और इधर नाजरीन यहाँ पर जब वो काफी ज्यादा फाखरा परेशान होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब आए दिन यहाँ पर जब वो कुछ ना कुछ होता रहता है महरोज के साथ, यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होती रहती है, जिसकी वजह से शेरियार और अरफान यहाँ पर सब लोग अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये दो नंबरी वगैरह मत करें, यहाँ पर ड्रग जो है यहाँ पर ये ना कर दें, यहाँ पर लड़की की जिंदगी मत पर बात करें। लेकिन यहाँ पर वो इन लोगों को जो है वो आगे से शट अप कॉल करती रहती है, कहती है यहाँ पर जो है वो तुम लोगों को बिल्कुल भी भाई की फिक्र नहीं है, यहाँ पर वो भी कुछ खुशियां वगैरह देख ले। जिसकी वजह से यहाँ पर जब डॉक्टर भी होप जो आगे दे रहे थे वो भी नहीं देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जल्द मरने वाले हैं, जिसकी वजह से ये फाखरा बहुत ज्यादा जो है वो करेगी। जल्दी जल्दी यहाँ पर एमएल के घर वालों को कहेगी कि यहाँ पर जल्दी कर लें, यहाँ पर जो शादी हमने जल्दी करने के कायल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके माँ बाप कहेंगे थोड़ा सा तैयारी करने का तो टाइम वगैरह देना। लेकिन नजरें यहाँ पर नहीं, ये कहेंगे कि नहीं यहाँ पर आप जब जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे इंतजाम हम देख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने जो मेहमान बन के आ जाना है, अपने कोई आपने जो है मेहमान वगैरह आप बुलाने हैं तो उन लोगों को भी बुला लें, जिसकी वजह से ये लोग जो पहले ना करेंगे लेकिन बाद में इन लोगों के सामने घुटने टेक देंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हम लोगों को जब मिल गए, इतने ज़्यादा अमीर। और जिसके बाद यहाँ पर ये जो है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर इन लोगों की शॉपिंग वगैरह करके यहाँ पर ये दोनों जो है वो दुल्हन बनी बैठी होंगी, एनी और यहाँ पर एमल। और जिसके बाद ये जो जैसी बैठी होंगी और यहाँ पर जो जैसी बारात आएगी शादी हॉल के अंदर, तो नजरें आते आते यहाँ पर महरोज की फिर से तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाएगी, उसे एकदम से चक्कर से आना शुरू हो जाएगी, गिरने लगेगा, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पर ये बात भी फिर से फाखरा बेगम जो है संभाल लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जब काफ़ी ज़्यादा टेंशन सब लोग लेंगे। लेकिन नजरें शायद हो सकते हैं इस बार इसे हॉस्पिटल ना लेकर जैसे इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ना बिगड़े महरोज की, जिसकी वजह से यहाँ पर यही देखने को मिल सकता है कि नजरें यहाँ पर ये जो है वहाँ पर बैठेंगे, जिसके बाद जो निकाह शुरू होगा एमल और शेरियार का हो जाएगा निकाह। और इधर नजरें यहाँ पर हम लोगों को जो देखने को मिलेगा निकाह यहाँ पर एनी और महरोज का, जिसके बाद एनी जो है वो अपने कमरे में बैठी होगी, बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही होगी यहाँ पर महरोज का। महरोज आएगा और नजरें इसके पास बैठे शायद, और जिसके बाद फिर से उसकी तबीयत खराब हो जाए, वो गिर जाए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाए नहीं। और यहाँ पर दूसरी जानब शेरियार ने मुझे वो सब कुछ बता दिया होगा यहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो एमल को, कि यहाँ पर मेरे भाई को जो है इस तरह की बीमारी है और यहाँ पर झूठ बोल के हमें यहाँ पर रिश्ता वगैरह जो करवाया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़ोरदार इसे जो है एक चांटा रसीद करेगी और कहेगी मेरी बहन की तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और इससे जब वो काफ़ी ज़्यादा जब वो रूठी रूठी रहना शुरू हो जाएगी, इसके साथ बिल्कुल भी नहीं बोलेगी और अपनी सास को भी काफ़ी ज़्यादा जब वो सुनाएगी। और इधर आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पर इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनी इसके लिए दबाव करेगी और यहाँ पर अब वो इसे एक्सेप्ट कर चुकी है, इसका बिल्कुल भी जो साथ नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर जब वो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला यहाँ पर एमएल की माँ भी यहाँ पर जाओ इसकी सास को एमएल की कह सकती है, और जिसके साथ साथ यहाँ पर जो एनी बिल्कुल भी यहाँ पर वापस से नहीं जाना चाहेगी और यहाँ पर जो इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑपरेट करवाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुआएँ वगैरह जो वो करना शुरू कर देगी यहाँ पर नाजरीन एनी, यहाँ पर मेरा जो वो शोहर ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा आपस में प्यार हो चुका है और यहाँ पर सब कुछ दोस्तों जब पता चलेगा तो नाजरीन वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो टेंशन लेगा और कहेगा कि यहाँ पर अम्मी आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, और यहाँ पर सब लोगों से सॉरी भी करेगा और यहाँ पर अपनी माँ से भी शायद रूठ जाए। लेकिन इसकी माँ इसको समझाएगी कि यहाँ पर जो कुछ मैंने किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, जिसकी वजह से नाजरीन शायद ये बाद में मान जाए और नाजरीन यहाँ पर ये शायद घूमने फिरने भी जाए। लेकिन नाजरीन बाद में यहाँ पर जाए कि फिर से इसकी जो तबीयत वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे फिर से डॉक्टर के पास चेक करवाया जाए। और इधर नाजरीन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है जब वगैरह करना शुरू कर दे यानी, और जिसके बाद यहाँ पर जो वो काफ़ी ज़्यादा ये जो है इसके साथ घूमा फिरा करेगी। और इधर नाजरीन अफान को भी
आस्ते आस्ते जो है वो प्यार होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर इस एनी के साथ, और नाजरीन वैसे पाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन नाजरीन यहाँ पर उससे पहले आप लोग ये भी देखने वाले हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बचाने की कोशिश की जाएगी इस महरोज़ को, और शायद उसी बीच में यहाँ पर ये एनी जो प्रेगनेंट भी हो जाए और नाजरीन शायद इसकी जो है वो बच्ची भी इस दुनिया में आ जाए और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उसके साथ खेले कूदा करे। लेकिन नाजरीन बाद में यहाँ पर जो है महरोज़ की डेथ हो जाए और नाजरीन यहाँ पर उसका जनाजा उठाते हुए हम लोगों को दिखाया जाए, और नाजरीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनी रो रही हो, इसकी बहन और माँ इसे जो संभाल रही है, और नाजरीन जिसके साथ साथ यहाँ पर जब बाद में और ज़्यादा सुनने को बातें मिलेंगी यहाँ पर नाजरीन जो है वो फाखरा बेगम को। लेकिन नाजरीन यहाँ पर अपने बेटे के लिए गमगीन तो होगी, लेकिन अगर उसकी औलाद हुई तो नाजरीन यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा खुश होगी, ये हमारी प्रेडिक्शन है। और नाजरीन यहाँ पर ये यही कहेगी कि अगर तुम लड़की जाना चाहती हो एनी तो चली जाओ, यहाँ पर यह बच्चा हमारे पास ही रहने दो। लेकिन नाजरीन एनी यहाँ पर यह बच्चा बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करेगी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसी घर में रहेगी, नमाज़ें पढ़ेगी, सब कुछ करेगी, दुआएँ वगैरह। और नाजरीन यहाँ पर जब वफान इसके साथ जो काफ़ी ज़्यादा चक्कर चलाने की कोशिश करेगा, और नाजरीन इधर शेरियार भी चला गया, इधर महरोज़ भी चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर अब इसकी जो है नाजरीन कज़न इस पे डोरे डालना शुरू कर देगी कि चलो यहाँ पर यही मेरे पास चांस रह गया, इसे मैं अपनी तरफ कर लूँ। लेकिन नाजरीन वो भी इसे हाथ नहीं पकड़ाएगा, इसकी वजह से नाजरीन शायद हो सकता है ये शेरियार की तरफ जो है दोबारा से मुतवज्जा हो जाए, यहाँ पर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करे, काफ़ी ज़्यादा गेमें वगैरह खेले। और नाजरीन दुर्दाना जो कि नाजरीन यहाँ पर ये भी इसके साथ अपनी बेटी के मिलकर सब कुछ जो वो करे, और यहाँ पर वो ये चाहती है कि यहाँ पर ये ना हो कि कल को हम लोगों को इस घर से कोई निकाल दे, हमारा पत्ता साफ कर दे। लेकिन नाजरीन को इतना भी यहाँ पर बुरा नहीं है इस घर में, और नाजरीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद नाजरीन करेगा फान भी यहाँ पर ये शादी करने के लिए, लेकिन इसकी माँ जो बिल्कुल नहीं मानेगी, वो किसी और जगह बड़े घर में यहाँ पर इसकी जो फान की शादी करवाने की कोशिश करेगी, या हो सकता है कि इसकी कज़न के साथ इसकी जो शादी करवाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर ये कहेगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, जिसकी वजह से आप लोग यही देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर ये बिल्कुल ना माने, जिसके बाद नाजरीन ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर घूमने फिरने भी छुप छुप के जाएंगे, और इसके बाद नाजरीन फान को यहाँ पर जो डाकू पड़ जाएंगे, और जिसके बाद यहाँ पर इसे सब कुछ छीन लेंगे, शायद बाद में जख्मी वगैरह भी इसे थोड़ा बहुत कर दें। लेकिन नाजरीन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है वो इसके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो प्यार आता जाएगा यहाँ पर इसके लिए, यहाँ पर जब वो आनी भी काफ़ी ज़्यादा जब वो इसकी तरफ मतवजा होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। वैसे वो इतनी ज़्यादा जल्दी महरूस को भूलेंगी तो नहीं, लेकिन नाजरीन फिर भी यहाँ पर आखिर तक हम लोगों को इनके मिलने के चांसेस वगैरह जो दिखाए जा सकते हैं, और शायद इन लोगों की भी शादी हम लोगों को दिखाई जाए। और इधर नाजरीन यहाँ पर एमएल को भी काफ़ी कुछ जब फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वो भी रोया करेगी, और इधर नाजरीन यहाँ पर वो भी शेरियार को माफ़ कर देगी, और यहाँ पर इसके अलावा भी उसे जो बहुत कुछ जो फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर महरूस जब तक नाजरीन जिंदा था तब तक भी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा महरूस की और ज़िंदगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की भी उसने जो कोशिश की फाखरा बेगम ने। और नाजरीन यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो आखिर में ये तो होगा कि यहाँ पर फाखरा बेगम को ये सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं गलत थी, यहाँ पर जो है वो इसके साथ ही शादी होनी चाहिए, यहाँ पर बच्चा भी घर का घर रह जाए, यहाँ पर ये सारे के सारे मामला, और यहाँ पर परी की भी कहीं ना कहीं जो शादी कर दी जाए, और यहाँ पर शायद इसके साथ भी कुछ ना कुछ वैसा ही हो, मकाफाती अमल वगैरह हो, इस तरह का हम लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, और इसकी कज़न को भी मुँह की खानी पड़े यहाँ पर, इस तरह की जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कुछ जो हम लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस ड्रामे को जो आने वाले एपिसोड में देखते हुए, जो टीजर प्रोमो वगैरह जो आए थे वो मैंने आप लोगों को बता दी, और आप लोग ये बताइएगा एमएल को भी यहाँ पर प्रेगनेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लाजमी से अपना कीमती गुजार कमेंट सेक्शन में करते जाना। जितने भी मैंने बताई आप लोगों को ओएसटी टीजर और ये सब कुछ जो है देखने के बाद ही आप लोगों को ये मैंने बताया, तो आप लोग बताइएगा इसे आप लोग एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, लाजमी से बता जाना ये फर्स्ट स्टोरी वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो लाइक दोस्तों को सब्सक्राइब करते जाना, ये थोड़ी सी मेरे परीक्षा थी, अगर फिर आज को हम सकते हैं अला हाफिज़।